अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी YouTube फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पर टाइम हुआ है 11:30। 11 बजे तक मैं उठ गई थी, उसके बाद थोड़ी देर लेटी, मोबाइल चेक किया क्योंकि वो मैंने आप सबके कमेंट चेक करने होते हैं, और उसके बाद फिर वॉशरूम में जाके फ्रेश होना होता है। तो अब मैं आई थी रूम से बाहर, अब हो गए हैं 11:30, तो अब ज़रा बाहर चलते हैं और बाहर जाके मौसम चेक करते हैं कि मौसम कैसा है। और आई थिंक आज बाहर जो धूप काफ़ी तेज़ निकली हुई है तो बाहर जाके पता चलता है। और बिल्कुल ये देखें, धूप तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, बट ठंडी वाली धूप है, इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसके साथ हवा नहीं चल रही थी और धूप भी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी। और बादल भी बहुत ही प्यारे आए हुए हैं, मौसम अच्छे वाला था, धूप जो है वो ज़्यादा गर्मी वाली नहीं है। अभी आई, मौसम हुआ है चेंज बट इतना नहीं है अभी चेंज। और आप सब लोग बताइएगा आपके शहर का मौसम कैसा है। वैसे तो आजकल रेनी सीज़न चल रहा है, तो आप लोगों के कैसा है, बारिशें हो रही हैं कि नहीं। ये हमारे लगे हुए हैं फ्लावर, इनका पता नहीं क्या नाम, मुझे नाम का नहीं पता लेकिन मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, फ्रेश रेड कलर के हैं। ये अनार लगे हुए हैं, अभी अनार तो नहीं लगे, उनके भी फ्लावर्स लगे हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह से लेमन लगे हुए हैं। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों के घर में कौन कौन से फ्रूट्स या कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं। और इसके बाद माशाल्लाह से हमारा जो अनार है, इसको एक सीज़न में लगते हैं वाइट कलर के अनार और एक में लगते हैं रेड कलर के। और अब चलते हैं अंदर और अब कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज मेरी जो तबीयत है ज़रा डाउन है, इसलिए मैं ख़ुद भी ज़रा डाउन डाउन ही हूँ और ज़रा मौसम चेंज हो रहा है, तो इसलिए आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मौसम की वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई है, गला शदीद ख़राब है। और मेरा ज़रा भी किचन में ना जाने को दिल कर रहा था और ना ही कुछ करने को, तो यहाँ पर मैंने आज फिर बोला अपनी अम्मी जी को कि मुझे ब्रेकफास्ट बना के दें, तो उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट बना दिया है। ये है फ्रेंच टोस्ट हैं और साथ में है चाय। अगर इनकी रेसिपी किसी को चाहिए हो तो वो मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो अब यहाँ पर कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। वैसे भी वो आज मेरा ज़रा गला ठीक नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा ज़रा कोई ऐसी चीज़ मीठी सी खाई जाए, क्योंकि वो ऑमलेट या ऐसी चीज़ नहीं खाई जाती, फिर उससे ना गले में जलन स्टार्ट हो जाती है। और वैसे भी माँ के हाथ की तो हर चीज़ बनी हुई टेस्टी होती है, और वैसे भी बंदा खा के फ्रेश हो जाता है। इस बात से आप लोग एग्री करते हो कि नहीं, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और वैसे ही बंदा खा के माँ के हाथ की चीज़ फ्रेश हो जाता है। और यहाँ पर मैं अब कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट, बहुत ही यमी बने थे, बिल्कुल हल्की सी चीनी वाले थे ये फ्रेंच टोस्ट। और इधर जो है ब्रेकफास्ट, जो मेरे टोस्ट हैं वो हो गए हैं फिनिश। और अब मैं पी लेती हूँ चाय। आप लोग बताइएगा कि आप लोग नाश्ते में क्या लेते हैं, जब आपका गला ख़राब हो क्या लेते हैं, कोई टोटका मुझे बता दीजिएगा। आजकल कुछ कोरोना की वजह से सब लोग डरे हुए हैं, उसी वजह से मैं इतना डरी हुई हूँ, और अजीब सी मेरे वो जो है गला, उसमें ख़ारिश सी है और पता नहीं क्या सिचुएशन है, अजीब सी हुई पड़ी है, इसलिए मैं खुद बहुत डरी हूँ। आप लोग को मुझे टोटका ज़रूर बताइएगा ताकि मैं वो भी आजमाऊँ। मैंने स्टीम भी लिया, सब कुछ मैंने करके देख लिया। चाय भी अभी गरम गरम है, मुझे चाय बहुत ही ज़्यादा जो गरम वाली होती वो पसंद है, फुल गरम हो वही मैंने चाय पीनी होती है, और उसी चाय का मज़ा आता है। ठंडी चाय तो फिर लाइक का शरबत ही हो जाती है, उसको पीने का तो मज़ा ही नहीं आता। ठंडी ठंडी चाय नहीं पीनी चाहिए, गरम गरम पता तो चले बंदा चाय पी रहा है। और अब एक आप लोगों के लिए सरप्राइज़, और वो है ये मेरा गिफ्ट आया है, सिस्टर आई है मेरी सियालकोट से, तो वो लाई है मेरे लिए गिफ्ट बिल्ली का। तो इधर उसकी भी मैं मुलाकात करवाऊंगी ज़रा डीपली। और अब इधर बच्चे आए हुए हैं, सब सिस्टर्स आई हैं, तो उनके लिए, बच्चों के लिए मैं यहाँ पर बना रही थी मैक्रोनी जल्दी जल्दी झटपट में। तो यहाँ पर मैंने जो चिकन था उसको मैंने
एक अंडा लिया था और एक उसके अंदर योगर्ट ऐड कर लिया था, मसाले ऐड किए थे, उसको मैरिनेट किया और उसको मैंने पका लिया। और जब वो पक गया, अच्छे से गल गया, तो उसके अंदर अब मैंने इधर प्याज ऐड कर दिया है और जो सॉसी मैक्रोनी है उनके कोलसन वालों के टिक्का मैक्रोनी, उसकी रेसिपी है मेरे चैनल पे, उसका मैं आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। ये वाले मैंने विदाउट सॉस बनाए हैं, वो सॉस वाले हैं, उनका टेस्ट और होता है, इसका टेस्ट और है। और यहाँ पर अब इसके अंदर मैंने सब जो थी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सोया सॉस और थोड़ा सा वाइट विनीगर ऐड कर दिया है, क्योंकि बच्चों ने खाने हैं तो इसलिए मैं इसके जो स्पाइसेस हैं ज़रा कम रखूँगी। और यहाँ पे पेरी पेरी सॉस मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, पेरी पेरी मैक्रोनी ये बन रही है, बहुत ही मज़े की बनती है और अच्छा इसका टेस्ट होता है, ठीक है। मेरी तो मोस्ट फेवरेट है, हर चीज़ में मैंने इसको ऐड करना होता है, बर्गर पिज़्ज़ा में पेरी पेरी का एक अलग सा ही टेस्ट है, इसलिए मुझे ये वाली सॉस बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पर जो थे हमारे मैक्रोनी माशाल्लाह से हो गए हैं रेडी और बहुत ही यमी से लग रहे हैं, टेम्पटिंग से लग रहे हैं, तो आप लोग भी इसे ट्राई करना कि आपके कैसे बनते हैं। और अब रेडी हो गए हैं मैक्रोनी और अब इनको खाते बाहों में लेके तुझे मैं करती हूँ। और यहाँ पर फातिमा कर रही है मैक्रोनी एंजॉय और अयान भी आ गया है साथ। अयान जो है हमारा ये हमेशा बाएं हाथ से खाना खाता है और मोहम्मद भी मैक्रोनी को एंजॉय कर रहा है। ये सब मेरी सिस्टर्स के बच्चे हैं और ये इधर नानों के घर आए हुए हैं क्वारंटाइन डेज इंजॉय करने लॉकडाउन की सूरत में। तो अब मैं आ गई हूँ मैक्रोनी लेके छत पे, क्योंकि सब बच्चे आए हुए थे और वो भी चले गए थे ऊपर, तो मैं भी इनके साथ ऊपर आ गई हूँ। वो कह रहे थे हमने काइट्स उड़ानी हैं, पतंगबाजी करनी है, क्योंकि बच्चे भी आजकल फ्री हैं, वो क्या कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन कुरान क्लासेस हो रही हैं, स्कूल की भी क्लासेस हो रही हैं, बाद में फिर फ्री हैं, तो शाम टाइम फिर मैं इनको लेके छत पे आ जाती हूँ। और यहाँ पर पहले ये सब खा रहे हैं मैक्रोनी, और ये मरियम है, मरियम भी खा रही है मैक्रोनी, और अयान भी, और मोहम्मद तो बहुत ही इंजॉय कर रहा है, और ये इब्राहिम और आलियान। और इतनी काइट्स उड़ रही हैं हमारे, रोज़ शाम को ऐसे ही होता है कि जैसे आज बस बसंती है। आप लोग भी बताइए अगर आप लोगों के एरिया में ऐसे होता है कि इतनी काइट्स उड़ती हैं कि बसंत का ही समा लगता है। हमारे तो डेली यही होता है और ऐसे ज़रा थोड़ा टाइम पास हो जाता है, तो इसलिए मैं शाम को बच्चों को लेकर ऊपर चली जाती हूँ और फिर हम मगरिब टाइम नीचे आ जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो आज का जो मेरा व्लॉग था बस इतना ही था, थोड़ी मेरी तबीयत डाउन थी तो मैंने कहा आप लोगों से कुछ बातें शेयर कर लूँ, ये मैक्रोनी पेरी पेरी मैक्रोनी बनाई थी वो शेयर कर लूँ। तो आप लोगों ने